अगर किसी देश ने पिछले 30 सालों में सबसे अधिक तेजी से विकास किया है तो वो सऊदी अरब है। वैसे तो सऊदी अरब में पहले से ही कई चमत्कारी और गगनचुंबी इमारतें मौजूद हैं, पर अब उसकी इस सूची में एक और नया कीर्तिमान जुड़ने वाला है। सऊदी अरब नियोम में विश्व की पहली फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने जा रहा है, जिसका नाम है द लाइन। जैसा कि सोशल मीडिया पर सामने आए ड्रोन की लीक फुटेज से पता चला है कि इसका निर्माण शुरू हो गया है। लीक ड्रोन फुटेज दिखाती है कि सच में सऊदी अरब में द लाइन नाम के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। ये प्रोजेक्ट लोगों के बीच सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बन गया है, और कुछ का मानना है कि इतनी बड़ी फ्यूचरिस्टिक सिटी का बनना किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। पर फिर भी दुनिया को चौंकाते हुए इसका काम सच में शुरू हो चुका है। क्या ये ही आने वाला हमारा फ्यूचर होगा, या ये द लाइन प्रोजेक्ट बस अरबों डॉलर का नुकसान होगा? देखते हैं आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है सऊदी अरब की 100 अरब डॉलर की फ्यूचरिस्टिक सिटी। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जुलाई 2022 में बताया कि द लाइन फ्यूचरिस्टिक सिटी का लक्ष्य दो समांतर 500 मीटर ऊंची और 170 किलोमीटर लंबी दीवार, जिसके बीच ये पूरा शहर बसाया जाना है। ये दोनों ओर से रिफ्लेक्टेड ग्लास की दीवार होगी, जो इस सदी की सबसे एडवांस सिटी होने वाली है। इस शहर में कोई भी कार, मोटर व्हीकल या फैक्ट्री नहीं होगी, जिससे ये जीरो पॉल्यूशन पैदा करने वाला पहला शहर कहलाएगा। जबकि कार की जगह यहाँ फास्टेस्ट मेट्रो ट्रेन चलेगी। इस शहर में आपको अपने जरूरत की सारी चीजें बस कुछ कदम की दूरी पर मिल जाएंगी, और इसकी सारी बिजली केवल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी से बनेगी। और समुद्र के पानी को पीने के पानी में बदलने वाले बड़े बड़े प्लांट इसके बाहर रेगिस्तान के बड़े हिस्से में लगाए जाएंगे। द लाइन के ऑफिशियल ट्रेलर, जिसमें इसके बारे में बताया गया, जिसे करोड़ों लोग देख चुके हैं, पर फिर भी किसी को भनक तक नहीं है कि इसकी असल सच्चाई क्या है। पहले तो लोगों को लगा ये बस सऊदी अरब का एक पब्लिसिटी स्टंट है, पर जब ओटी स्काई की लीक ड्रोन फुटेज सामने आई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग खुदाई करते देखे गए, जो शायद द लाइन की नींव की खुदाई कर रहे हैं, तो पूरा विश्व हैरान रह गया। पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि कितना काम किया गया, पर ये जरूर कहा जा सकता है कि लगभग 10 से 20 किलोमीटर तक की खुदाई तो हो गई है। नियोन की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, ये द लाइन प्रोजेक्ट सऊदी के इस तट से लेकर और बीच के इस माउंटेन से होकर आगे बढ़ेगा। गूगल मैप्स में भी इस निर्माण को देखा जा सकता है। इसका फ्यूचर क्या होगा कहा नहीं जा सकता, पर कहीं इसका हाल भी सबसे बड़े जेदाह टावर और दुबई के क्रीक टावर जैसा ना हो जाए कि पता चले कुछ साल बाद काम ही बंद हो गया। अगर बुर्ज खलीफा से भी लंबे जेदाह टावर और दुबई के क्रीक टावर क्या थे और क्यों बनना बंद हो गए जानना हो तो कमेंट में बता देना, अगला वीडियो उस पर बन जाएगा। वापस आते हैं टॉपिक पर, और अगर जैसा दावा किया जा रहा है, अगर द लाइन मेगा प्रोजेक्ट वैसा बन गया तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्या होगा। सऊदी अरब में एक सबसे बड़ा इकोनॉमी बूस्ट आएगा, और उसके बाद सऊदी को कई बड़े इन्वेस्टर मिलेंगे, जिससे आने वाले समय में सऊदी अरब का नक्शा ही बदल जाएगा। पर दिखने में जितना शानदार ये प्रोजेक्ट लग रहा है, इसे बनाना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में कई साल लग सकते हैं, पर फिर भी शायद इसका एक चौथाई भाग 2030 तक तैयार होने की उम्मीद है। बाकी का हिस्सा धीरे धीरे इसमें जुड़ता चला जाएगा। सोचिए कैसा होगा इस फ्यूचरिस्टिक शहर में रहना। क्या आप भी इस शहर को देखने के लिए मेरी तरह एक्साइटेड हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।